ससुराल सिमर का फेम दीपिका मक्खी बनकर हुई थी ट्रोल। टीवी की सास ने अब दिया है जवाब। टीवी एक्ट्रेस दीपिका का कट इस समय एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल ससुराल सिमर का सीरियल का दूसरा सीजन शुरू हो गया है और एक बार फिर दीपिका सिमर की भूमिका में नजर आने वाली हैं। इसका पहला सीजन जबरदस्त हिट रहा था और दूसरे सीजन में भी मेकर्स को यही उम्मीद है। हालांकि पहले सीजन में इस सीरियल को भयंकर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था जब दीपिका मक्खी के किरदार में नजर आई थी और उस समय स्टोरी लाइन की जमकर आलोचना हुई थी। अब जाकर टीवी पर सिमर की सास की भूमिका निभाने वाली जयती भाटिया ने बड़ा खुलासा किया है। जयती ने बताया कि शो में हमें माता रानी के भक्तों के रूप में दिखाया गया था, इसलिए हमें मनुष्य के बुरे इरादों से लड़ते हुए दिखाया गया। जाहिर तौर पर अगला कदम क्या हो सकता है, हम मानव के रूप में बुराइयों से लड़ें, क्योंकि जो हमेशा माता रानी की अच्छाई और बुरे लोगों की बुराई के बारे में था, इसलिए इसमें नागिन का ट्रैक शुरू हुआ और फिर डायन का ट्रैक आगे बढ़ा। आगे जाकर सिमर मक्खी में बदल गई। हम इस ट्रैक में हुए बदलाव के लिए कन्विंस्ड हो गए थे। जयती भाटिया ने यह भी बताया कि उस समय जो ट्रोलिंग हुई थी वो दर्शकों की तरफ से नहीं थी बल्कि इंडस्ट्री की तरफ से थी। अगर ये दर्शकों की तरफ से होती तो हमें 4.2 की टीआरपी रेटिंग हासिल नहीं होती, हम सभी चैनलों में नंबर वन शो नहीं होते। उन्होंने कहा कि मैं आज भी ये कह सकती हूँ कि दर्शकों ने हमारी भावनाओं को बखूबी समझा था। वैसे आपको बता दें कि ससुराल सिमर का दूसरा सीजन शुरू हो गया है और उम्मीद है कि दर्शकों को पहले सीजन की तरह ये भी पसंद आएगा। टीवी और एंटरटेनमेंट से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के जरिए हम तक ज़रूर पहुँचाएँ।